हेलो सलाम नमस्ते कैम छो, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं हूँ मनाली में और मैं यहाँ से जा रहा हूँ लद्दाख के लिए। सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं थोड़ा आगे पैदल चल रहा हूँ। लगभग 300 मीटर आगे मेरी टैक्सी खड़ी है। मनाली से लद्दाख जाने के लिए आपके पास में 3 ऑप्शन है। आप पर्सनल टैक्सी कर सकते हो, उसके अलावा आप शेयरिंग टैक्सी कर सकते हो जिसका चार्ज पर पर्सन लगभग 3000 रुपये आता है। तो मैंने शेयरिंग टैक्सी की है क्योंकि हम लोग 2 जने हैं। तो पर्सनल टैक्सी लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये लेती है और शेयरिंग टैक्सी में आपको 3000 में काम हो जाता है। तो ये ऑप्शन मुझे ठीक लगा, इसीलिए मैंने शेयरिंग टैक्सी की है। टैक्सी के अलावा आप बाइक लेके जा सकते हो मनाली से, वो सबसे बढ़िया है। लेकिन मुझे मनाली से लद्दाख जाना है और लद्दाख से फिर और आगे की तरफ निकलना है, मुझे वापस मनाली नहीं आना है, इसलिए मैं बाइक नहीं ले रहा हूँ। नहीं तो मैं बाइक पर ही जाता, बाइक का मज़ा अलग ही होता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको टैक्सी में से ही पूरा रोड दिखाऊंगा बढ़िया से। तो चलते हैं, मनाली से लद्दाख का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये सुबह का नज़ारा है मनाली का, देखो आप। इस वक्त सुबह के 7 बज रहे हैं और ये ओल्ड मनाली है। अभी यहाँ से लगभग 200 मीटर आगे मेरी टैक्सी खड़ी है, इनोवा, उसमें हम जाएंगे मनाली से लद्दाख। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है आज, तो पूरा मैं रास्ता दिखाऊंगा आपको मनाली से लद्दाख का। तो ये है आज की सवारी हमारी जो हमें मनाली से लद्दाख ले जाएगी। और ये है भाई साहब हमारे ड्राइवर, कैसे हो? इनका नाम है राजीव भाई। तो राजीव भाई सफ़र कराएंगे हमें मनाली से लद्दाख का। तो चलते हैं यहाँ से लद्दाख के लिए। अभी हम पहुंच गए हैं सोलांग वैली। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ये सोलांग वैली है। तो अभी हम पहुंच गए अटल टनल। ये साउथ पोर्टल है, मनाली की साइड वाला पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था और इससे आगे हम बढ़ेंगे तो लगभग 9 किलोमीटर आगे अटल टनल ख़त्म होती है और वहाँ पर नॉर्थ पोर्टल है जो कि लाहौल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी हम सिसु पहुंच गए हैं जो कि मनाली से लगभग 50 किलोमीटर है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वाटरफॉल है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, तो अगर आप देखना चाहो तो ज़रूर देखना। तो यहाँ पर पेट्रोल भरवा रहे हैं। ये टांडी जगह है, मनाली से लगभग 70 किलोमीटर है और मनाली से लेह तक जाने में सिर्फ 2 पेट्रोल पंप आते हैं। एक यहाँ पर आता है टांडी में और एक आता है किलोंग पर। तो पेट्रोल भरवा रहे हैं यहाँ पर, थोड़ी देर 5 मिनट का ब्रेक है और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बाकी आपने यहाँ का रास्ता देखा कितना बढ़िया है, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे और आपको मज़ा आने वाला है। तो पेट्रोल भरवा दिया है, निकलते हैं यहाँ से। चले राजीव भाई, ये चंद्रा नदी है और उस तरफ में भागा नदी है, तो ये दोनों का संगम होता है यहाँ पर तांडी में। ये नीचे भागा रिवर है और उस तरफ चंद्रा रिवर थी।
तो ये जगह है किलोंग, मनाली से लगभग 80 किलोमीटर है, और पीछे जो तांडी था जहाँ पर पेट्रोल भरवाया था वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर है। तो किलोंग पहुँच गए हम। तो ये जगह है दारचा, यहाँ पर गाड़ी खड़ी की है, थोड़ी देर चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर ये एक चेक पोस्ट है, तो यहाँ पर गाड़ी के नंबर नोट होते हैं, गाड़ी चेक होती है उसके बाद आगे जाती है। वो ब्रिज देखो, लंबा सा ब्रिज, काफ़ी बड़ा ब्रिज है ये, नीचे नदी है और ये दारचा है। भैया क्या मिलेगा अभी नाश्ते में? अच्छा ठीक है, बस 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 हो गया, इतना बहुत है। तो ये दारचू था, यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह किया, 10 मिनट का ब्रेक था, अभी यहाँ से निकलने का टाइम हो गया है। तो ब्रेकफास्ट हो गया दारचू में काफ़ी अच्छे से, और यहाँ पर स्टे भी मिलता है, 150 रुपीज़ का चार्ज है केवल, टेंट मिलता है आपको सोने के लिए। तो अगर आप दारचू स्टे करना चाहो तो आप कर सकते हो, और बाकी खाने पीने की सारी अच्छी व्यवस्था है। तो अच्छे से नाश्ता पानी हो गया और अभी आगे बढ़ते हैं, चले। तो चलते हैं यहाँ से, चलिए राजीव भाई। बाइकर्स है देखो कितने सारे, मनाली से ले बाइक लेके जाना भी एक अलग एडवेंचर है, काफ़ी मज़ा आता है। इस बार पॉसिबल नहीं हुआ, अगली बार कभी आएंगे तो मनाली से ले बाइक लेके जाएंगे। पहली बार कोई लद्दाख आता तो ऐसा लगता है जैसे वो मंगल ग्रह पे आ गया है। सूखा एकदम, पहाड़ बड़े बड़े ऊँचे ऊँचे और पतले पतले रास्ते देखो आप। इस तरह का कुछ पेच आते हैं रस्तों में, ज़्यादा नहीं है लेकिन जहाँ पर भी है वो थोड़े मुश्किल भरे हैं, काफ़ी संभल के ड्राइव करना पड़ता है, और ख़ास करके बाइक में। ये देखो लाइन से बाइकर्स आ रहे हैं। तो अभी आने वाला है बारालाचला पास, जिसकी हाइट सी लेवल से लगभग 15,000 फीट के आसपास है, तो काफ़ी ऊंचा है। ये इतना बड़ा पहाड़ देखो आप, पूरा एकदम रेत का पहाड़ है, मिट्टी का, ऊपर से बहुत पत्थर गिरते हैं यहाँ पर क्योंकि पूरे मिट्टी के पहाड़ है ये इस तरह के।
रास्ता खुले लगभग 1.5 महीना हो गया है, अभी जून एंडिंग है। वैसे तो हर साल जून 15 के आसपास खुलता है मनाली से लेह का हाईवे, बंद रहता है ये बर्फबारी की वजह से, लेकिन इस बार लगभग 15-20 मई को खुल गया था। तो अभी थोड़ी बर्फ़ कम हो गई है, लेकिन महीने भर पहले काफ़ी सारी बर्फ़ थी यहाँ। अभी रोड पर भी बर्फ़ दिखने लगी है, देखो ऊंचाई पर आए इसकी वजह से। 7 किलोमीटर रह गया है बारालाचा यहाँ से, तो लगभग मनाली से 150 किलोमीटर चल चुके हैं। और ये जो पेच वगैरह आप देख रहे हो, इस तरह के ख़राब जो रास्ते आते हैं बीच में, वो ज़्यादा नहीं है। 150 किलोमीटर में लगभग ये 5वां-6ठा पेच है, तो ज़्यादा पेच नहीं है, रास्ता काफ़ी अच्छा है अभी तक तो। यहाँ पर थोड़ा काम चल रहा है बीआरओ वालों का, रोड बन रहा है इसलिए थोड़ा लंबा पेच है ये। ये सूरज ताल है देखो आप, बारालाचा से पहले आता है ये। एकदम सुंदर देखो पानी कितना साफ है, एकदम ब्लू पानी है, वाह आंखों से इतना अच्छा दिख रहा है, कैमरे में पता नहीं कितना अच्छा दिखेगा लेकिन काफ़ी सुंदर दिख रहा है। नीचे ताल है, लेक है, और ऊपर देखो पहाड़ है, बर्फ है, बहुत बढ़िया नज़ारा है। तो आ गया है बारालाचा पास, और मनाली से लगभग 160 किलोमीटर ऊपर चलते हैं लेह की तरफ, तभी आता है बारालाचा। आगे यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, उस पर पूरी डिटेल लिखी हुई है कितना हाइट पर है, कितना अल्टीट्यूड है इसका। यहाँ पर लिखा हुआ है बारालाचा पास 4850 मीटर, 4850 मीटर है ये। उस तरफ से हम आए हैं मनाली से, और ये यहाँ का नज़ारा है, और ये पास है बारालाचा का बोर्ड लगा हुआ है, 4850 मीटर की हाइट है इसकी, और ये रोड आगे जाएगा लेह के लिए। तो ये था बारालाचा पास, और अभी यहाँ से निकलते हैं, लगभग 5 मिनट रुके, फ़ोटो वगैरह लिया और आगे बढ़ते हैं। अभी बारालाचा पास पीछे रह गया, अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर आगे सरचू आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा पेच है और बर्फ़, देखो बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पर रोड की साइड पर, तो टूरिस्ट लोग यहाँ पर आगे गाड़ी रोककर बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। तो ये भरतपुर है, यहाँ पर थोड़े बहुत खाने पीने के स्टॉल है, सरचू से पहले ये पूरे इस तरह के मिट्टी वाले पहाड़ है, छोटे छोटे पत्थर वाले, कभी भी ऊपर से गिर सकते हैं, उस तरह के हैं ये। तो लैंडस्लाइड काफ़ी होता है यहाँ पर, छोटे छोटे पत्थर गिरते रहते हैं ऊपर से। तो अभी हम सरचू पहुंच गए हैं, और ये सारे आपको देखो कैंप दिख रहे होंगे, तो सरचू में काफ़ी लोग स्टे करते हैं, नाइट स्टे, काफ़ी सारे कैंप वगैरह है देखो आप, यहाँ पर अच्छी सुविधा है यहाँ पर। सरचू मनाली से 180 किलोमीटर पड़ता है, तो लगभग हमें 5-5.25 घंटे हो गए हैं मनाली से निकले हुए, और अभी हम सरचू पहुँचे हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे कैंप है, तो आप यहाँ पर नाइट स्टे भी कर सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है, देखो आप यहाँ का लैंडस्केप कितना बढ़िया है। सरचू में वैसे खाली कैंप वगैरह है स्टे के लिए, टूरिस्ट के लिए, विलेज नहीं है ये, मुझे लगा था विलेज है ये। इस तरफ और भी कैंप है देखो, ये इस तरह के सारे कैंप लगे हुए हैं सरचू में, लगभग 2000 के आसपास लगता है पर पर्सन का, विथ डिनर एंड ब्रेकफास्ट।
तो सामने आपको बोर्ड दिख रहा होगा, वहाँ पर लिखा हुआ है धन्यवाद कृपया पुनः पधारे। तो ये हिमाचल बॉर्डर है, लद्दाख एंट्री है यहाँ से, और यहाँ पर चेक पोस्ट है। ये सरचू का बोर्ड लगा हुआ है देखो आप, और नीचे एक नाला है, यहाँ पर नाले के इस तरफ में हिमाचल है और इस तरफ में फिर लद्दाख लग जाता है, और इस तरफ से ये रोड फिर आगे बढ़ता है लद्दाख के लिए। अब वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है आगे। सामने एक गाड़ी फंसी हुई है देखो आप, उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं लोग। यहाँ पर ये थोड़ा टफ है बॉर्डर क्रॉस करते समय, देखो यहाँ पर ज़्यादातर गाड़ियाँ फंसती है। तो अभी हम निकाल रहे हैं गाड़ी धीरे धीरे। नीचे एकदम से जोर की आवाज़ आ रही है पत्थरों की। इनोवा तो निकल ही जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है यार, इनोवा भी फंस जाती है और अल्टो भी निकल जाती है, चलाने वाले के ऊपर है। क्यों राजीव भाई? काफ़ी लोगों से सुना था मैंने, लद्दाख जा रहे हो तो हैवी गाड़ी चाहिए, एसयूवी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास अगर अल्टो है तो भी आप लद्दाख घूम सकते हो, और अगर आपके पास एसयूवी है और आपको बराबर से चलाना नहीं आता है, आपके पास प्रैक्टिस नहीं है, टेक्निक नहीं है, तो आप फंस जाओगे। तो गाड़ी से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, गाड़ी चलाने की स्किल से मतलब है। क्या रास्ता है देखो आप, एंट्री कैसे है लद्दाख की, एंट्री हमारी है। तो यहाँ गाड़ी रोकी है एंट्री के लिए, यहाँ पर देखो राजीव भाई एंट्री करवा रहे हैं, और ये लद्दाख की एंट्री है। तो ये बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ से ये लद्दाख है पूरा, और इस तरफ में ये हिमाचल था, वहाँ पर चेक पोस्ट थी हिमाचल की, मैंने आपको बताई थी। वहाँ से घूमते हुए ये नाला क्रॉस किया और अभी हम इस तरफ आ गए हैं, और ये चेक पोस्ट है, यहाँ पर एंट्री होती है और फिर लद्दाख में एंट्री मिलती है आपको। मेरे पास पानी की बॉटल थी लेकिन ख़त्म हो गई, तो मुँह सूख रहा है, बोला भी नहीं जा रहा है, क्योंकि काफ़ी हाइट पर है और लद्दाख आपको पता होगा पूरा ड्राई है। तो कभी भी लद्दाख आओ तो काफ़ी सारा पानी लेके आओ अपने साथ, और वैसलीन लिप बाम एनी टाइम रखो। मैं हर आधे घंटे में लिप बाम लगा रहा हूँ, फिर भी मेरे होंठ सूख रहे हैं, और पानी दो बॉटल था वो भी ख़त्म हो गया है। तो अभी यहाँ से मैं पानी लेने जा रहा हूँ, इस जगह से पानी लेते, पानी पीते और फिर बढ़ते आगे की तरफ। बाकी इस जगह को सरचू ही कहते हैं, सरचू का आगे का जो पॉइंट है वो लद्दाख में है, और पीछे का जो मेन सरचू है पूरा वो अपने लाहौल ज़िले में पड़ता है हिमाचल में। तो यहाँ से पानी लेते हैं। यहाँ पर कोई नहीं है, अंदर तो कोई नहीं है, आप हो झूले, पानी की बॉटल दीजिए, दो दे देना दो। तो पानी का बॉटल ले लिया, और गोप्रो की बैटरी डाउन हो गई थी तो इस वजह से वहाँ का शूट नहीं कर पाया, तो गाड़ी में बैठ गया हूँ और फिर आगे के लिए निकल गए अभी। अभी यहाँ से घाटा लूप से स्टार्ट हो रहा है, घाटा लूप पूरा जिग जैक है और लगभग 10 से 12 किलोमीटर का चढ़ाई है ये, तो रास्ता पूरा अभी ऐसे ही रहने वाला है जिग जैक वाला, और एकदम पतला रास्ता रहेगा। इस तरह का रास्ता है देखो आप घाटा लूप का, एकदम पतला सा और पूरी चढ़ाई है ये लगभग 10 किलोमीटर के आसपास। नीचे वहाँ से हम आए, देखो सारे रोड दिखते होंगे आपको, इसीलिए इसे कहते हैं घाटा लूप्स। तो काफ़ी लंबा है ये घाटा लूप्स, आधा घंटा लगता है इसे क्रॉस करने में, और काफ़ी ऊंचा है। इसके ठीक बाद में नकीला पास आता है, ये पूरी चढ़ाई है।
ये जगह है विस्की नाला, इसको बोलते हैं विस्की नाला। थोड़ा नाम अजीब सा है लेकिन इसे कहते हैं विस्की नाला। यहाँ पर सारे टेंट वगैरह दिख रहे होंगे आपको, तो खाने पीने के सारे स्टॉल वगैरह है यहाँ पर। उस तरफ से ऊपर से हम आए, देखो वहाँ से इस पहाड़ के पीछे से, वहाँ से देखो वो गाड़ी आ रही है। तो काफ़ी घूम फिर के आना पड़ता है यहाँ पर विस्की नाले में, और यहाँ से फिर ऊपर जाना पड़ता है। वो देखो गाड़ियाँ जा रही है, ये भी घूम फिर के यहाँ से ऊपर की तरफ पीछे जाएगी। यहाँ से आगे फिर इसके पीछे लाचुंगला पास है, तो देखते हैं अगर वहाँ पर जगह हुई तो गाड़ी रोकेंगे और आपको बताएंगे। तो लगभग मैंने डेढ़ बॉटल पानी पी लिया है, लेकिन फिर भी बाथरूम नहीं लग रही है, तो इतना ड्राई एरिया है ये, तो कंटिन्यू पानी पीते रहो। तो यहाँ इस तरह से कैंटीन है, देखो आप थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो यहाँ पर। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लगे, ऑक्सीजन की कमी लगे, तो यहाँ पर लेट जाओ आके, और आप यहाँ पर नाश्ता वगैरह करो, रेस्ट करो, और उसके बाद आगे बढ़ो। सब कुछ मिल जाएगा आपको खाने में यहाँ पर, स्नैक्स से लगाकर। क्या क्या मिल जाता है वैसे खाने में? अच्छा अच्छा अच्छा, इतना सारा मिलता है। चलो झूले 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 झूले, तो सारी चीज़ें मिल जाती है यहाँ पर, तो अच्छी जगह है। बीच में अगर आपको सही नहीं लगे तो यहाँ पर रुक के रेस्ट करके फिर आगे बढ़ो। चले राजीव भाई, चलो चलो। सामने जो टॉप है वहीं पर है लचुंगला, तो विस्की नाला से लगभग 4-5 किलोमीटर है, ज़्यादा नहीं है। ले 200 किलोमीटर है, 5-24 किलोमीटर है यहाँ से। तो ये है लाचुंगला पास, आपको बोर्ड दिखाता हूँ मैं। और नीचे जो विस्की नाला था वहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर ऊपर है ये। तो ये है 16,616 फीट पे है ये लाचुंगला पास। तो पिछला जो पास था उससे भी ऊंचा है ये। तो लाचुंगला पास आपको दिखाया, बाकी ये यहाँ का नज़ारा देखो आप। हवा काफ़ी तेज़ है, अभी दिन का समय है, सूरज सर पे है इसीलिए धूप है, तो इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन हवा ठंडी ठंडी चल रही है। यहाँ पर लिखा हुआ है सौर्य चक्र RCC वेलकम्स यू लाचुंगला टॉप 16,616 फीट। तो ये लाचुंगला पास था पीछे, मैंने आपको बताया। अभी यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ, ज़्यादा रुक नहीं सकते यहाँ पर, और ज़्यादा रुकना भी नहीं चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है, हाइट पर होता है इस वजह से। तो 5 मिनट यहाँ रुके आपको मैंने दिखाया, अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सरचू के बाद थोड़ा थोड़ा ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो जाता है। ये जो नकीला पास और लाचुंगला पास है यहाँ पर ऑफ रोडिंग है, रोड भी है वैसे, लेकिन ऑफ रोडिंग थोड़ा सा आ जाता है यहाँ पर। सरचू से मनाली में ऑफ रोडिंग नहीं है, काम चालू है यहाँ पर, रास्ता बन रहा है, रोड बन रहा है। तो यहाँ पर गाड़ी रोक दी है थोड़ी समय के लिए, फिर से जाम लग गया है, आगे बस और ट्रक सामने सामने आ गए हैं। और नीचे देखो नज़ारा, नीचे उतर के दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला नज़ारा देखो आप, वाह, ऊंचा सा पहाड़ है ये, और नीचे ये नदी है, काफ़ी ऊंचा है, अभी नीचे उतरना है यहाँ से। पूरा मिट्टी का पहाड़ है देखो आप, पूरा मिट्टी है। एकदम सिंगल रास्ता है ये। अभी हम नीचे आ गए हैं, पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे दोनों तरफ, और रास्ता एकदम सिंगल है और ऑफ रोडिंग है देखो आप। हर तरह के रंग मिलते हैं लद्दाख जाते समय, आपको पक्के रोड मिलेंगे, कच्चे रोड मिलेंगे, पानी मिलेगा, नदियाँ मिलेगी, झरने मिलेंगे, मिट्टी के पहाड़ मिलेंगे, पत्थर के पहाड़ मिलेंगे,
सामने देखो ऊपर पहाड़ी में कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एकदम डिफरेंट चीज़ दिख रही है पूरी। तो पहुंच गए हैं पांग, अभी यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, खाना वगैरह खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। 15,280 फीट की हाइट पर है ये पांग। तो यहाँ पीछे गाड़ी रोकी है पांग में, अभी यहाँ पर खाना वगैरह खाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये भी लगभग 15,000 से ज़्यादा की हाइट पर है पांग। और होलिया बिल्कुल ख़राब हो गया है, मिट्टी इतनी उड़ रही है, सब काला काला हो गया मुँह। ये तो ठीक है हम गाड़ी में आए, ये अगर बाइक पर जाते तो अभी तक पहचान में भी नहीं आते। तो काफ़ी ऑफ रोडिंग भी बीच में आती है यहाँ पर। तो अभी यहाँ से थोड़ा खाना वाना खाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये सारे ढाबे हैं यहाँ पर देखो आप। हल्का हल्का मेरा भी सर दुख रहा है, इतना इजी नहीं है लद्दाख करना, थोड़ा सा बॉडी पे ध्यान देना पड़ता है, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए लद्दाख आने से पहले। मैं तो करता ही हूँ इसीलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, खाली हल्का सा सर में पेन है, बाकी सांस की प्रॉब्लम नहीं है। खाने के लिए कुछ दाल चावल वगैरह है, राजमा चावल मिक्स दाल, हाँ दे दो ना, दाल चावल दे दो ना। तो बहुत लिमिटेड चॉइस मिलती है यहाँ पर, चाउमीन दाल चावल ऑमलेट वगैरह उस तरह का सब मिलता है। तो फिलहाल हम थोड़ा लेट हो गए तो इसीलिए अभी फ़िलहाल दाल चावल है, तो दाल चावल ले रहे हैं। 150 रुपये की प्लेट है, मिक्स दाल है और चावल है। बाकी ये पांग है पूरा, देखो आप ये जो जगह है वो पांग है। तो ये आर्मी वाले पानी सप्लाई करते हैं इन लोगों को, स्टॉल वालों को, पानी यहाँ मिलता नहीं है इजीली, तो ये लोग सप्लाई करते हैं पानी का। बहुत बढ़िया है, राजमा और दालें सारी मिक्स है, अच्छा है। थोड़ा लेट गया हूँ यहाँ पर, खाना वाना खा के दो आलू के पराठे खाए, एक दाल चावल खाया और मज़ा आ गया, बढ़िया था एकदम सब। थोड़ा रेस्ट करूँगा, 5 मिनट चाय पीऊँगा और फिर निकलते यहाँ से आगे। यहाँ मज़ा आता है लेकिन लेटने का, खा के लेट जाने का, देखो इस तरह से बाहर भी बैठने का है और अंदर भी है इस तरह से। तो चाय पीते और फिर निकलते आगे की तरफ। दो आलू पराठा मंगवाया, एक दाल चावल मंगवाया और एक चाय मंगवाई, 290 का बिल हुआ। तो खाना अच्छा था, टेस्टी था, मज़ा आ गया, 10 मिनट रेस्ट किया, अभी गाड़ी तैयार है, राजीव भाई भी रेडी हो गए, तो निकलते आगे लद्दाख के लिए। ये लोग मुझे मिले थे लेकिन मेरे इसकी बैटरी डाउन हो गई थी कैमरे की, ये लोग गुजराती है, नाड़ापेट है ना, बनासकाठा। अच्छा लगा आपसे, सारू लायकू तमने मळी ने, आपने तो करना चाहिए यार, मलसू आपने आकर। तो अपने गुजराती मिल गए, पहले भी मिले थे, उन्होंने बोला कि हमें भी ले लो व्लॉग में, लेकिन मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, तो अभी फिर से मिले तो उनको भी ले लिया। चलिए राजीव भाई, मोरे प्लेन था और अभी हम यहाँ से ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं इस तरफ में। आगे तांगलांगला है पास, जो कि सबसे हाई पास है मनाली से ले जाते समय, तो अभी यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे तांगलांगला पास आएगा। चढ़ाई चल रही है, देखो आप सामने भी रोड दिख रहा होगा उस तरफ में, वो भी चढ़ाई है पूरी, लगभग 15 किलोमीटर की चढ़ाई होती है तांगलांगला की। तो मैं पहुंच गया हूं तांगलांगला पास पर और यहां पर ये डिटेल दिया हुआ है, देखो आप
पांग 65 किलोमीटर है, यहाँ से मनाली 364 और चंडीगढ़ 673 किलोमीटर है। ये है तांगलांगला पास, सामने वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, आपको बताता हूँ मैं। तो ये तांगलांगला पास है, देखो इधर लिखा हुआ हाइट 17582 फीट, बड़ा सा यहाँ पर ये बोर्ड लगाया हुआ है इतना बड़ा। और इस तरफ भी एक बनाया हुआ है कुछ मंदिर टाइप का, कुछ टेंपल टाइप का। और ये हाईवे है, वहाँ से हम आए थे। तो ये तांगलांगला पास है, देखो आप, इतना ऊंचा है ये, तो यहाँ ज़्यादा ठहर नहीं सकते, 5-10 मिनट यहाँ रुकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तांगलांगला टॉप है, तांगलांगला पास है। तो तांगलांगला पास से निकल गए, 5 मिनट खाली नीचे उतरे थे, उसमें इतना ठंडा था, सर पकड़ गया एकदम से। हाइट पे है तो थोड़ी सांस भी चढ़ जाती है, अगर ज़्यादा देर रुकते तो अच्छा नहीं है वहाँ। तो 5-10 मिनट रुक के फ़ोटो खींच के आगे निकल गए। वो जो पीछे का पहाड़ है उधर ही था तांगलांगला, अभी थोड़ा आगे आ गए हम। रोड पे पूरी बर्फ जमी हुई है, देखो आप ये साइड पर। तो ये सलसल गांव है, लगभग लेह से 70-75 किलोमीटर पहले है, यहाँ पर स्टॉप लिया है। तो चाय पीते हैं यहाँ पर और फिर निकलते हैं लेह के लिए, और आपसे लेह में मुलाकात होगी क्योंकि लगभग शाम होने वाली है। शाम तो हो चुकी है, रात होने वाली है क्योंकि 7:45 बज गए हैं। मनाली से निकले हुए लगभग 11 घंटे हो चुके हैं और अभी लगभग 2 घंटे में लेह पहुँच जाएंगे। तो 13 से 13.5 घंटे लगते हैं मनाली से लेह पहुँचने में। तो फाइनली मैं लेह पहुंच गया हूं और रात के लगभग 10 बज रहे हैं, और मनाली से हम लोग सुबह निकले थे 7:30 बजे और मैं लेह पहुंचा हूं 8:30 बजे। और 8:30 बजे फिर मैं वहां से घूमता घूमता होटल ढूंढता ढूंढता यहां पहुंचा, होटल लिया, तब तक अभी बज गए 10। तो काफ़ी भूख लग रही है और हालत हो गई है ख़राब, थकान बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि पूरा हाई अल्टीट्यूड पर गाड़ी चली है, तो सर में भी दर्द है। तो ये थी मनाली से लेह की जर्नी जो मैंने आपको दिखाई, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। तो काफ़ी थक गया हूँ और नींद आ रही है और भूख भी बहुत लग रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शिव टेक केयर, अपना अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार, आवजो।